हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुखी जानवासी। एंड थैंक यू सो मच कल की मेरी वीडियो को इतना साथ देने के लिए। मुझे दो तीन लोगों ने, बहुत जनों ने मेरे को मैसेज किया कमेंट बॉक्स में, व्हाट्सअप पे, कि माँ आप सच की लड़ाई लड़ रहे हो, आपको कुछ होगा नहीं। सच की लड़ाई लड़ने में ही सबको बुरा लगता है, आपको पता है। मैंने कितनों का तो नाम भी नहीं लिया, लेकिन तो भी बुरा लगता है। माया मैडम में कुछ लोग पर्सनली ले लेते हैं। माया मैडम हम बहुत जनों को बोलते हैं, एक जनों को नहीं है हमारे में। हम लोग ने किसी एक का नाम माया मैडम नहीं रखा है, बहुत लोगों का रखा है। लेकिन ये है कि गेहूं के साथ घुन पिसने वाला काम होगा, क्योंकि दिमाग पे बात आई है ना। अजमेर शरीफ जा रही हूँ, मुझे पता है कुछ लोग जानबूझ के मेरा दिमाग डाइवर्ट करने को देखेंगे। मैं अजमेर शरीफ कर निकलूँगी, डाइवर्ट करने को, हो सकता है केशव के पप्पा तक मेरा दिमाग डाइवर्ट करने को देखे कि मैं इससे ज़्यादा बातचीत करूँ नहीं करूँ, तो ये जाए नहीं। नहीं, मैं तो अपने काम के चक्कर में किसी को भी नहीं देखती हूँ। मैं उल्टा ये है कि जो इस वक्त काम के बीच में मेरे आएगा वो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन होगा। फिर उसको मैं आने के बाद देखूँगी कि मुझे उन लोगों के साथ क्या करना है, क्योंकि यहाँ पे ऐसी बात है, जो बातें दिमाग में नहीं रहती ना, उसको भी दिमाग में डाला जाता है। तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं अपना काम बखूबी और अच्छे से करूँगी। फ़िलहाल तो अभी मैं बता रही थी ना कि मैंने बोला ना मुझे एक एक काम पूरा करना है, तो मैं जा रही हूँ अपना शमशान में पूजा विधि करके आऊँगी। और एक और बात, पहले काम की बात करती हूँ। मैं अजमेर शरीफ निकल रही हूँ कल शाम को। आप सब में से जिसको भी लगे पूजा काम जो करवाना है, शक्तियाँ चाहिए, क्योंकि सुल्तान जी की शक्ति वहाँ पे 24 घंटे में एक्टिवेट होकर मिलेंगी, और आपका कैसा भी काम 24 घंटे में करेगी, क्योंकि वो ऐसी जगह है, इतनी बड़ी जगह है जहाँ से कोई भी कभी भी पीछे नहीं हटता। मुझे हाजिदा ने भी कल कहा, माँ आप मीरा साहब दरगाह जा रहे हैं ना ऊपर तारागढ़ में, वहाँ पे वो शहीद है, उन्हें सफ़ेद चादर चढ़ती है। तो आप आरिफ शेख के नाम पे चादर चढ़ाना चाहते हो ना, आप शनिवार के दिन चादर चढ़ाना। सिर्फ उसी के नाम पे नहीं, जितने दुश्मन हैं आप सबका नाम लेके चादर चढ़ाना। ये बोल के कि ख्वाजा जी हमें इसका रास्ता दो, हमें मतलब इस चीज़ को सामने लाओ, इन सबको सज़ा दो, बस आप ये बोल के चढ़ाना। और उससे पता नहीं कल क्या कहा है, कल वो देख रही थी आईनी अमलियत में, बोलती माँ पता नहीं क्यों इस बार मैडम माया और उनके हस्बैंड का पूरा साल बहुत ख़राब है। ये हमारी पर्सनल मैडम माया की बात की जा रही है, जिस मैडम माया को मैं हमेशा गाली देती रहती हूँ, उनका और उनके पति का पूरा साल बुरी तरह से ख़राब है। मेरी क्या ख़राब है, वो तो क्या है मालूम नहीं, मालूम नहीं, कुछ तो होने वाला है, कुछ बहुत बड़ा और कुछ गलत होने वाला है। हो सकता है माया मैडम के साथ कुछ गलत हो तो पति इन्वॉल्व रहे, तो मैं तो एक ही मैसेज भेजूँगी पति साहब को कि गलत का साथ दोगे गलत ही मिलेगा, तो मत दो। क्योंकि माया मैडम के साथ जो होने वाला है वो पता नहीं क्या होने वाला है, लेकिन साल बड़ा ख़राब है। मैंने बोला क्या होने वाला है, जान मान क्या होने वाला है, या तो फिर ये जो खुलने वाला है राज उसी में कुछ होगा। बोलती माँ मुझे नहीं पता, बस ये पता है कि उनका साल, दोनों मियाँ बीवी का साल बहुत बुरा है, ये बात है। अब मैंने बोला लेकिन मैडम माया का तो साल भले ख़राब हो सकता है, लेकिन दूसरे का साल ख़राब नहीं होना चाहिए, कि वो तो हमसे सबसे जुड़े हुए हैं। तो बोलते हैं उससे मतलब नहीं माँ, जिसके विधि में जो विधान लिखा है वो होके रहेगा। मतलब उससे कल मैं लोगों का बताती हूँ कि आईनी अमलियत पे जिन्नात बता रहे हैं, तो देखिए जो लिखा है वो तो होगा, किसी को टाले टल नहीं सकता। लेकिन ये बात है कि मेरा माइंड डाइवर्ट करने से माइंड डाइवर्ट होगा नहीं, मैं अपने काम में ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी समझ रही हूँ। अब मैं समझ चुकी हूँ, धीरे धीरे सबको भी ये समझाऊंगी, जो मेरे साथ लगकर है, जो मेरे साथ चल रहा है वही आगे बढ़ेगा, नहीं तो फिर आप अपनी जगह मैं अपने रास्ते ये बात है। दूसरी बात, मेरी वीडियो को कोई भी पर्सनली नहीं लेने का। मैं वो वीडियो उन्हीं के लिए बनाती हूँ जिन लोगों ने गलत काम किया, उन्हीं को सज़ा मिलेगी। माया मैडम कोई एक नहीं है, माया मैडम कम से कम 4 से 5 जन है, ये कोई एक का काम नहीं है, बहुत सारे जनों ने मिल के किया है, तो सबको सज़ा मिलेगी। पर्सनली किसी के ऊपर नहीं जाना चाहिए। हाँ, बुरा उसको लगेगा जो गलत होगा, और गलत उसके साथ होगा, कोख उसकी उजड़ेगी जिसने सच में मेरे केशों के पीछे पड़ोगे। वो कोई भी हो सकता है, एनीथिंग कोई भी हो सकता है, मुझे नहीं पता कि कौन है। दूसरी बात, अभी मैं शमशान जा रही हूँ, एक और बात बोलूँगी। ये जो हम शक्तियाँ सिद्ध करते हैं ना, अजमेर और शरीफ ऐसी जगह है, वहाँ पे सिर्फ मैं अजमेर शरीफ में नहीं रहती हूँ, उनके बेटे सरवार में, वहाँ फखरुद्दीन शाह बाबा के पास जाती हूँ, तारागढ़ जाती हूँ, बहुत सारी ऐसी जगह पर हमारा काम चालू रहेगा 4-5 दिन, जिसमें अच्छा खासा टारगेट होता है। कहते हैं ना किसी दुश्मन को मुँह के बल गिराना, शक्तियाँ हासिल करना, वहाँ पे थे ना, वहाँ पे नियत बहुत जल्दी कबूल की जाती है। तो वहाँ जाने वाली हूँ मैं, तो आप सभी को जिसको भी लगे कि काम कराना चाहिए अपने दुश्मनों के लिए, इसके लिए कोई भी कैसा भी खतरनाक काम आपका करके मिलेगा, कैसा भी दुश्मन आपके नीचे गया। हम लोग एक वशीकरण कर रहे हैं अभी, मैंने बोला ना एक तो मंत्र ऐसा है जो जर्रा जर्रा, मैंने भी 2-4 जन जो मुझसे सीख रहे हैं उनको मैंने मंत्र दे दिया है, क्योंकि मंत्र सिर्फ 100 बार करने में कुछ ही घंटों में आदमी जर्रा जर्रा हो जाता है। उसके बाद एक ऐसा मंत्र दिया जाएगा वशीकरण की सिद्धि, जो वशीकरण की सिद्धि ऐसी रहेगी कि हमारे घर में एक डॉगी है विस्की
वो हमारी जोया के पीछे 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 भागता रहता है। तो हमने एक बार सोचा था कि विस्की वशीकरण क्यों ना बनाया जाए। विस्की वशीकरण ऐसा कि डॉगी कैसा हमेशा अपनी कुतिया के पीछे 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 घूमता रहता है, एक ऐसा वशीकरण है। और एक ऐसा मंत्र है जो दुश्मनों को ज़र्रा ज़र्रा कर देता है। वो मंत्र को अगर आपने 100 बार पढ़ के किसी के लिए किया ना, तो आदमी कुछ ही घंटों में, कुछ ही मिनटों में ज़र्रा ज़र्रा हो जाएगा। ऐसे कुछ भी मंत्र अगर चाहिए तो मैं खुला बोलती हूँ कि मात्र 11,000 में आपको सिद्ध करके वो मंत्र आपके व्हाट्सअप पे दिया जाएगा। बस आपको अपना व्हाट्सअप पे नाम, फ़ोटो, एड्रेस देना है, खर्चा भेजना है। कुछ ही घंटों में, 24 घंटे वो मंत्र आपको दे दिया जाएगा। वो मंत्र को आप जैसे ही 100 बार बोल के सामने वाले दुश्मन पे डालोगे, आदमी ज़र्रा ज़र्रा टुकड़े टुकड़े, उसकी इज्जत के टुकड़े होंगे, उसके नाम के टुकड़े होंगे, उस कहीं का नहीं रहेगा, उस पर इतनी अलाबला आएंगी। उसके साथ कुछ भी हो सकता है, पागल हो सकता है आदमी, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि सबको मंत्र ही चाहिए ना, सिद्धि नहीं चाहिए तो हम मंत्र दे देंगे, कोई बात नहीं है। तो 11,000 में ये डील कोई महंगी नहीं है। जिसको चाहिए वो अपना नाम, फ़ोटो, एड्रेस भेज के चालू करवा सकता है। दूसरी बात, अभी भी मौका है करवा। और एक और बात, जो लोग मुझे इग्नोर कर रहे हैं या कर रहे हैं, तो मुझे इग्नोर करने से, सब करने से मैं अपना रास्ता नहीं बदलूंगी। उल्टा ये हो सकता है कि आप जो लोग मुझे इग्नोर कर रहे हैं, कहीं ये ना हो कि गेहूं के साथ घुन पिसने वाला हाल हो जाए। कहीं आप लोग अभी मेरे दिमाग में नहीं हो, लेकिन मुझे इग्नोर करने की वजह से कहीं आप लोग मेरे दिमाग में ना आ जाओ। बाद में ये गलती मत देना कि हम तो दिमाग में थे ही नहीं। दूसरों की बातों में मत आओ, कौवा कान लेके गया उसके पीछे मत आओ, घर वालों की बातों में मत आओ कि अरे ये कुछ बड़ा होने वाला है इसके चक्कर में पड़ो मत, क्योंकि उनकी तो बैंड बजेगी, कहीं ऐसा नहीं कि तुम्हारी बैंड बज जाए। या हम दिन भर मेहनत करके बीमार नहीं पड़ते, सुबह 8 बजे से उठ के शाम तक मेहनत करते बीमार नहीं पड़ते। यहाँ पे इंसान कहते ना बैठे बैठे बीमार पड़ रहा है, बगैर कुछ काम के बीमार पड़ रहा है, तो ये तो बहुत बड़ी बात है। कोई बात नहीं, हमसे मिलके रहने में ही फ़ायदा है। हमसे भिड़ोगे करोगे तो आपका ही नुकसान है। कहते हैं ना इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। और क्या है, जैसे वो पुष्कर, ये पुष्पा पिक्चर में गाना है ना कि ए बेटा ये मेरा है अड्डा, ऐसा ये मेरा अड्डा है, मेरे आगे कोई नहीं जा सकता है। और जो मैं काम कर रही हूँ बखूबी कर रही हूँ, क्योंकि जो जिसने गलती की उसको सज़ा मिलेगी। और ये अकड़, ये कहते हैं ना, ये सब अपनी जेब में रख के दरवाजे के बाहर रख देने का, क्योंकि मेरे सामने नहीं चलेगी। ऐसा नहीं हो कि सामने वाला अब तक मेरे दिमाग में नहीं है, लेकिन मैं सामने वाले को अगर अपने दिमाग में ले लूँ तो क्या होगा, वो तो सिर्फ ऊपर वाला जानता है। तो डोंट इग्नोर मी प्लीज़। जय माता दी।